मैं आपस में कोशिश कर रहा था। हालांकि इसका प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये तो अंडरस्टैंड करें कि अगर एक आइडियाबेटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन हो तो मैं उन दोनों ग्राफ में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। तो ये अल्फा जो वॉल्यूम की पावर है ये हमको डिसाइड करवाएंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम की ही पावर होनी चाहिए। कई बार होगा कि टीचर मुझे यहां पर किसकी पावर दे देगा, प्रेशर की, तो मुझे दिमाग लगाकर उसको वॉल्यूम की पावर कर देना। जैसे कि टीचर मुझे अगर दे दे पी की पावर हाफ इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, तो मुझे अगर ये देखना है कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो मुझे वॉल्यूम की पावर चाहिए। ये पावर लेके आने के लिए मुझे दोनों साइड्स का क्या करना पड़ेगा बताओ, शाबाश, स्क्वेयरिंग। अगर मैं दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा पी वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर वी की पावर टू आ जाती है तो अल्फा टू आ जाएगा, तो डिसीजन हो जाएगा कि ये ग्राफ कहाँ की तरफ को बनेगा। जो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम की पावर होती है ये डिसाइड करती है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर ये पीवी का ग्राफ किस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। ये प्रेशर आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू जीरो, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन, इक्वल टू वन, और दिस इज ग्रेटर देन वन। तो कल मैंने आपको यहीं पर ये क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर अल्फा जीरो है, अल्फा आपके पास लेस देन वन है, अल्फा इज इक्वल टू वन है, या अल्फा ग्रेटर देन वन है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास जो पीवी डायग्राम है, ये जो पीवी डायग्राम है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बिहेव करे, ये मुझे यहाँ पर करना आना चाहिए, और मैं यहाँ पर इसको समझा भी सकता हूँ, किसी को बता भी सकता हूँ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे यहाँ पर क्या हमारे लिए आइडियाबेटिक प्रोसेस नाम की एक चीज होती है जिसमें पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब बच्चा हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है इस तरीके से, जहां पर गामा आपके पास किसके बराबर है, वन प्लस ऑफ टू बाई एफ, जहां पर एफ मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्रायटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए ये तीन आ जाएगी, डायटॉमिक के लिए ये फाइव आ जाएगी, और ट्रायटॉमिक के लिए ये हमारे पास सेवन आ जाएगी। तो इन सब केसेस के अंदर बच्चा हमारे पास ये गामा की वैल्यू है और ये हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। या फिर मैंने एक और तरीका बताया था, दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि टी, और यहाँ पर मेरे पास वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे टेम्परेचर किसमें लेना है, काका यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर को आपने कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना। या फिर पी रेज टू पावर वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया कॉन्स्टेंट। ये तीन मेरे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है कि हमारा ये प्रोसेस प्रोसीड कैसे करेगा। इसमें हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, नंबर वन। नंबर दो बच्चे हमारे पास यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर रेज या फॉल कर सकता है, और ये रेज और फॉल कब करेगा, जब गैस हमारे पास एक्सपेंड करेगी तो फॉल करेगा, जब गैस हमारे पास कंप्रेस होगी तो अंदर का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता ही आता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता ही आपके पास आता है। चलो थोड़ा और कंपेरिजन करते हैं, थोड़ा अगर मैं और कंपैरिजन करने की बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर आइडियाबेटिक प्रोसेस है और इसका भी एक इंडिकेटर डायग्राम होता है, और कल मैंने बताया कि इसके इंडिकेटर डायग्राम
और हमारे पास आइसोथर्मल के इंडिकेटर डायग्राम में फर्क होते हैं, मतलब कि लगेगा बच्चे को कि एक जैसा बन रहा है, नहीं ये एक जैसा नहीं बनता बच्चा, हमारे पास स्लाइटली इसके अंदर फर्क होता है। हमारे पास ध्यान से देखिए, ये मेरे पास आ गया प्रेशर पी और वॉल्यूम बच्चे मेरे पास आ गया भी, ये मेरे पास यहाँ पर आपका आइडियोबेटिक है ना, ये आपका आइडियोबेटिक ऐसे होता है, थोड़ा सा इस तरीके से आपके पास जाता है, ठीक है हमारे पास, और आपका आइसोथर्मल वो बच्चा हमारे पास थोड़ा सा आपके पास इस स्लोप का फर्क है, यहां पर हमारे पास दोनों के स्लोप का फर्क है। ये प्रैक्टिस से और ये आइडिया से बच्चा आप जनरेट कर पाओगे, ये प्रैक्टिस से और आइडिया से आप जनरेट कर पाओगे, क्योंकि कंपैरिजन से ये चीजें आपके पास निकल कर आती है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि P V की पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल और P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो क्योंकि अल्फा 1 से बड़ा हो, गामा 1 से बड़ा होता है, ये 1 से बड़ा ही होता है, वैल्यू डालकर देख लीजिए, जैसे गामा फॉर मोनोटॉमिक अगर डाल दोगे तो 5/3 है, गामा फॉर द डायटॉमिक अगर आप डाल दोगे तो 7/5 है, जैसे गामा अगर आप ट्रायटॉमिक के लिए डाल दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9/7, यानी कि 1 पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा 6, ये 1 पॉइंट आपके पास 4 और ये 1 पॉइंट आपके पास 2 के आसपास आ जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पर सब पे गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है, यस सर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब आइडियोबेटिक प्रोसेस नीचे होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर की तरफ होगा। मेरी बात को ध्यान से समझते चलना, चीजें अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमारे पास ये आ गया जी आइसोथर्मल प्रोसेस और नीचे आइडियोबेटिक प्रोसेस। तो आज का नया कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे पास अब मैं 3 ग्राफ बनाना चाहता हूं आइडियोबेटिक के, ये आइडियोबेटिक कर्व्स हैं, ये मेरे पास आइडियोबेटिक कर्व्स हैं मोनोटॉमिक के, डायटॉमिक के और तीसरे ट्रायटॉमिक के, ये आइडियोबेटिक कर्व्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक कर्व आ गया, ये बच्चा आपके पास दूसरा कर्व आ गया और ये मेरे पास तीसरा कर्व आ गया, ये 3 मेरे पास यहाँ पर कर्व्स आ जाते। ये गैस के एक्सपेंशन की बात हो रही है, ये गैस के एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 कर्व्स आइडियोबेटिक प्रोसेस के ही, पर तीनों गैसेस सेम नहीं, इसमें से एक गैस मोनोटॉमिक है, एक डायटॉमिक है, एक ट्रायटॉमिक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसमें से बताओ गामा किसकी सबसे ज्यादा, बताओ शाबाश, मोनोटॉमिक के, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक के, बोलो शाबाश, ट्रायटॉमिक की सबसे छोटी। अब एक आइडिया लगाओ, यानी कि ये मोनोटॉमिक सबसे नीचे, जितना आपके पास अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, 1 से बड़ी होगी, वो लाइन बच्चे ज्यादा इस तरफ को जाने की कोशिश करेगी, टुवर्ड्स नीचे की तरफ, तो मोनोटॉमिक नीचे आ जाएगा, डायटॉमिक यहाँ पर आ जाएगा और ट्रायटॉमिक यहाँ आ जाएगा, ये इंडिकेटर डायग्राम बन जाएगा पी और वी का। ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, ये कल के लेक्चर की सबसे लास्ट चीज ये थी और ये बच्चा हमारे पास इसका क्रक्स है, ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट बच्चा अपने साथ लेके चलता है कि यार अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये जो ग्राफ है पीवी के ग्राफ, वो नीचे की तरफ को आपके पास यहाँ पर बढ़ रही है, और अगर अल्फा की वैल्यू छोटी होती जा रही है तो ग्राफ हम ऊपर की तरफ को बना रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ये ट्रायटॉमिक है, यानी कि मेरे पास एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछा गया था, आईआईटी के अंदर पूछा गया था मेरे पास ऑक्सीजन और हीलियम या फिर बच्चा हमारे पास आर्गन, क्या आपके पास यहाँ पर गैस है, तो मेरे पास ऑक्सीजन और आर्गन की गैस के आइडियोबेटिक कर्व्स, ये हमारे पास आइडियोबेटिक कर्व्स है, तो हमारे पास ये पी और ये वी आ गया और दोनों गैसेस क्या कर रही है, आइडियोबेटिक प्रोसेस को इनिशिएट कर रही है, और दोनों का ये हमारे पास क्या है, आपके पास एक कर्व तैयार हो गई। अब मुझे सिर्फ क्या चीज बतानी है, मुझे सिर्फ इतनी चीज बतानी है ताकि इसके अंदर से ऑक्सीजन कौन है और आपका आर्गन कौन है, जी बता सकते हो,
ऑक्सीजन ऊपर वाला, ऊपर वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन है, नीचे वाला मेरे पास आर्गन है। ये बड़ी सिंपल, क्या मुश्किल है इसमें से, बड़ा आसान है। ये हमको अब याद रहना चाहिए, ये पॉइंट हमको अब याद रहना चाहिए, ये पॉइंट मेरे दिमाग में रहना चाहिए। मेरे दिमाग में अगर ये पॉइंट रहता है तो मैं उन बच्चों जितना अकलमंद माना जाऊंगा जो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर इसका क्या मतलब ये भी आपके पास आएगा, क्या इसका मतलब हमारे पास ये भी आएगा, ध्यान से समझना कि कंप्रेशन में भी सेम रिजल्ट होगा। जरा चेक करते हैं, अगर अब मैं कंप्रेशन की बात करूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, कंप्रेशन की, तो ध्यान से समझना, कंप्रेशन जिसमें गैस आपके पास कंप्रेस हो रही है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पर आपके पास आ गया ये पी और ये बच्चा हमारे पास आ गया V का प्रोसेस। अब गैस कंप्रेस होगी, अब जब गैस कंप्रेस होगी तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास गैस के कंप्रेशन का बच्चा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, तो मैं क्या ले रहा हूँ, पी वी अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सबसे पहला ग्राफ आ गया, ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास अल्फा की वैल्यू जीरो, गैस हो रही है कंप्रेस। अब मेरे पास ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास अल्फा की वैल्यू लेस देन वन, यहां पर अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास इक्वल टू वन, और यहां पर अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ, दिस विल बी ग्रेटर देन वन, और यह हमारे पास यहां पर आ जाएगी। अब देखिए कि हमारे ये कर्व्स एक अलग ढंग से ट्रेंड कर रहे, ये ग्राफ अब हमारे पास एक बहुत अलग ढंग से ट्रेंड कर रहे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ग्राफ एक अलग ढंग से ट्रेंड करते हैं। पी और वी, ये हमारे पास प्रेशर और ये हमारे पास वॉल्यूम, यहाँ पर मेरे पास जो गैसेस के आपके पास है, ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर अलग ढंग से ट्रेंड कर रहे, यहाँ पर अल्फा जीरो, यहाँ पर अल्फा लेस देन वन, यहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन वन, या सॉरी इक्वल टू वन, यहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन वन एंड सो ऑन। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे, दोनों जगहों पर आपके पास ग्राफ बिल्कुल अलग ट्रेंड कर रही। जब गैस कंप्रेस होती है तो जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है ग्राफ ऐसे जा रही, और यहाँ पर जब गैस आपकी एक्सपेंड करती है तो अल्फा की वैल्यू की वजह से ही यहाँ पर आते जाते। तो इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन मेरे पास यहाँ पर पीवी डायग्राम है फॉर द कंप्रेशन ऑफ द गैस। दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर द कंप्रेशन ऑफ द गैस। ये मेरे पास पीवी डायग्राम आ गया फॉर द कंप्रेशन ऑफ द गैस। ये बताओ, इसमें से बताओ कि अब आइडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है, बता सकते हो? ये अब गैस कंप्रेस हो रही है, जी बोले शाबाश। यहाँ पर मेरे पास ए ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ग्राफ अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, द बी प्रोसेस इज नाउ द आइडियाबेटिक, बिल्कुल आइडियाबेटिक। और आपके पास यहाँ पर जो ए ग्राफ होगा अब वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल आ जाएगा। ये मेरे पास आइसोथर्मल आ जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने वाली बात है। और यहाँ पर गैस आपके पास कंप्रेस हो रही है तो अगर एक्सपेंड होगी तो उसके मैं आपको केसेस बता चुका हूँ, अगर वो कंप्रेस होगी तो केसेस बता चुका हूँ। और आल्सो सेकेंड बच्चे हमारे पास क्वेश्चन, मेरे पास ये गैसेस के कंप्रेशन का आइडियाबेटिक कर्व्स है। अब ये आइडियाबेटिक कर्व्स है मेरे पास, मैं तीनों गैसेस को आइडियाबेटिकली कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडियाबेटिकली कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तीन गैसेस को। ये मेरे पास आ गई ए, ये मेरे पास आ गई बी, ये मेरे पास आ गई सी। अब बताओ कौन सी गैस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तीनों आइडियाबेटिक कर्व, ये मोनोटॉमिक है और सी, ये आपके पास मोनोटॉमिक है, ये बच्चा आपके पास मोनोटॉमिक है, बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायटॉमिक है, और तीसरी ये हमारे पास ट्रायटॉमिक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन
इसी के आसपास आप देखेंगे कि घूमते हो आपका। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर, ऐसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते और ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसके अंदर से तो बच्चे कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और क्या इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए हमें कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी, आइडेंटिफिकेशन, अगर आप आइडेंटिफाई करते हो बच्चे डॉग और लॉयन के बीच में, तो इससे आपकी जान बचती है। और अगर कोई पर्सन बोलता है नहीं, जब तक ये लॉयन किसी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये लॉयन जो है वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, तो ये तो बच्चे फिर तो गलत बात हो जाएगी, फिर तो बच्चे हमारी जान पे बनाएगी। तो इस वजह से अगर कोई पर्सन बोलता है शेर आ गया भागो, तो आप अपनी जान बोलते क्यों भागना, बोले नहीं तो खा जाएगा, तो भागना शुरू कर देते बगैर ये जाने कि सही में शेर है भी है या नहीं है, या शेर उतना खतरनाक है कि नहीं, क्योंकि हमें जान की परवाह होती है। सब कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपनी लाइफ, मतलब कि ये वही कंडीशन है कि बच्चा अपनी लाइफ बनाना चाहता है भाई, अगर किसी एक्सपीरियंस टीचर ने बोल दिया कि यार ये चीजें इस तरीके से होती हैं, तो आप लॉजिक तो लगाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बच्चे उसकी बात को मान के भी आगे बढ़ो। 10-15 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लगते हैं तो बहुत बेहतर है, मेरी बात को अंडरस्टैंड, क्योंकि लॉजिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहां पर अगर मैं आगे की तरफ को चलता हूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है? तो ये मेरे पास आइडेमेटिक प्रोसेस के आपके पास रिलेटेबल कुछ पॉइंट्स थे। अब आगे चलते, आगे अगर मैं चलूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, द स्लोप ऑफ द आइडेमेटिक कर्व। जैसे हमने आइसोथर्मल का स्लोप निकाला था, वैसे बच्चा आइडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप को भी निकालने की कोशिश करती है। द स्लोप ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस, तो पी वी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, बोलो शाबाश। तो मैं यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देता हूं। वे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी मेरे पास यहां पर कांस्टेंट है, वी रेज टू पावर गामा, तो मल्टीप्लाइड बाय गामा इनटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन, डिफरेंशिएशन है, मल्टीप्लाइड बाय डी वी प्लस ऑफ v raise to power gamma into dp, और constant की differentiation zero हो जाएगी। यहां पर मेरे पास v raise to power gamma into dp is equal to, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, minus gamma into p and v raise to power gamma minus one into dv, या फिर dp upon dv, कल भी समझाया था ये slope होती है dp upon dv, डीवी को नीचे लेके आगे, डीपी ऑलरेडी प्रेजेंट था, डीवी को नीचे लेके आगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, दूसरी तरफ माइनस गामा पी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन वी रेस टू पावर गामा। यहां पर फर्दर कर लीजिए, माइनस गामा इंटू पी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन माइनस ऑफ गामा, या आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो गामा और माइनस गामा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस गामा पी वी रेज टू पावर माइनस वन, तो माइनस ऑफ गामा पी बाई वी, ये हमारे पास स्लोप आ गई, ये हमारे पास अब क्या आ गई, स्लोप, द स्लोप ऑफ द आइडियाबेटिक कर्व, जल्दी बता दो किसके बराबर आ जाएगी, द स्लोप ऑफ द आइडियाबेटिक कर्व इज माइनस गामा इंटू पी। प्रीवियस क्लास के अंदर मुझे क्या पता है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस किसके बराबर होती है, द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज, दिस इज ए गिवन बाय, ये बच्चे हमारे पास आ जाती है माइनस ऑफ पी बाय वी। अच्छा, अब इसका मतलब देयरफॉर क्या कंपैरिजन आ गया, देयरफॉर अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द आइडियाबेटिक कर्व, द स्लोप ऑफ द आइडियाबेटिक कर्व, आपके पास कितने टाइम्स है बच्चे, दिस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसका मतलब क्या निकल कर आता है, ध्यान से समझना, और इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या निकल कर आता है, फिर समझो, इसका मतलब ये निकल कर आता है द स्लोप ऑफ, मतलब कि ज्यादा, सो द कर्व ऑफ आइडियाबेटिक ग्राफ, द कर्व ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस
जो मेरे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस है उसका कर्व, द कर्व ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस इज मच स्टीपर, इट इज मच स्टीपर, स्टीपर ये ज्यादा फास्ट होता है देन द आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी स्लोप ज्यादा है देन द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के मुकाबले बच्चे हमारे पास ज्यादा आपके पास स्टीपर रहेगा, ये हमारे पास ज्यादा स्टीपर रहेगा। और इसी वजह से यही रीजन है हमारे पास कि जब हम यहां पर पीवी का ग्राफ बनाते हैं, जब हम यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आप बनाते हो, तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइडियाबेटिक प्रोसेस इससे ज्यादा स्टीपर होना चाहिए, यानी कि ज्यादा नीचे जाना चाहिए। तो ये मेरे पास ऊपर आइसोथर्मल, तो नीचे आइडियाबेटिक गैस की एक्सपेंशन पे। और इसी तरीके से अगर मैं गैस को कंप्रेस करता हूं तो ज्यादा बच्चा आपके पास तेज कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए, आइडियाबेटिक। तो आइडियाबेटिक का ग्राफ हमारे पास इसके मुकाबले क्या हो जाता है, ज्यादा स्टीपर हो जाता है। तो इस वजह से ये अब मेरे पास नीचे आइसोथर्मल रह जाएगा और ऊपर आइडियाबेटिक। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए जी। यहां पर मैं वेट कर लेता हूं ताकि अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? चेंज गामा का चेंज आया बच्चे हमारे पास, जो गामा है बच्चे हमारे पास, उसके अंदर बच्चे हमारे पास है उसकी गामा टाइम्स। अब गामा तो वन से बड़ा होता है तो इसका मतलब उसकी स्लोप, आइसोथर्मल की जो स्लोप है वो थोड़ी कम होगी और आइडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा, यानी कि आइडियाबेटिक की स्लोप आपके पास ज्यादा निकल कर आ रही है। आप इसको अगर और भी बच्चे ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये चीज हमको पता लग जाती है। ये देखो मैं दो ऐसे लाइन बना रहा हूं, ये हमारे पास मान लिया जाए कि ये स्लोप निकालनी, स्लोप क्या होता है, एंगल होता है। ये देखो ये एंगल होता है हमारे पास, दे एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, हाँ या ना, ये हमारे पास एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। तो अब बता एंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर बता रहे, देखो एंगल हमारे पास ये एंगल आपके पास यहाँ पर है और एक एंगल ये वाला, तो ये वाला एंगल जो थीटा है ये बड़ा है और ये एंगल फाई हमारे पास क्या बच्चे छोटा है। तो हमारे पास अब देखो क्या हमारे पास जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वो ऐसे चला जाएगा और जो आइडियाबेटिक प्रोसेस है ये देखो ना ये इस लाइन के साथ इसकी स्लोप है और जो आइडियाबेटिक है वो कर्व बच्चे ऐसे जाएगा, उसकी स्लोप बड़ी है। मेरी बात को समझ गए, यानी कि जिसकी स्लोप बड़ी होगी वो आपका आइडियाबेटिक है और जो हमारे पास आइसोथर्मल है उसकी स्लोप छोटी है। तो समझने की कोशिश करो सारा गेम बच्चे हमारे सारा काम स्लोप का। अभी हम ज्यादा डिटेल के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये माना जाता है कि ये बच्चा प्लस वन के शुरुआती दौर में ये समझ चुका है कि मैंने ये कर्व बनाया और मैंने ये कर्व बनाया। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखो एंगल और यहाँ पर देखो बच्चे एंगल, मतलब कि कंपैरिजन करके देख लो तो ये ज्यादा स्टीपर लग रहा है और ये कम स्टीपर है, तो ये आइडियाबेटिक है या आइसोथर्मल, क्योंकि स्लोप जो होती है वो गामा टाइम्स बढ़ जाती है और गामा क्या होता है, ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब उसकी स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होगी कंप्रेशन के वक्त भी और आपके एक्सपेंशन के वक्त। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, चलो। सो ये हमारे पास यहाँ पर पहली चीज आ गई। नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पर फिर आपके पास आ जाता है बल्क मॉडुलस, द बल्क मॉडुलस ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल कर लिया था। मेरे पास यहाँ पर डीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा पी और बच्चा हमारे पास बाई वी और ये डीवी के बराबर है। आप डीवी को यहाँ पर ले जाओ तो वी कैन राइट डाउन चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस गामा पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। कंपेयर करो चेंज इन द प्रेशर माइनस बल्क मॉडुलस इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर अब देखो क्या चीज पता लगी, बल्क मॉडुलस ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस अब बताओ कितने के बराबर हो जाएगा,
बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, कंपेयर करो, यह हमारे पास आ जाएगा गामा पी। और कल की क्लास में हमने किया था बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल किस ये प्रेशर के बराबर होता है। सो देयरफॉर मुझे एक और चीज पता लगी, बल्क मॉडुलस ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द बल्क मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर आपको जब पूछेगा तो इसके जवाब आपको आने चाहिए। जब आप स्कूल का वाइवा देने जाओगे, जब आप कोई भी ऐसा काम करोगे जहां पर टीचर आपके नॉलेज को चेक करना चाहते हैं कि यार बच्चे ने प्लस वन में कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। मुश्किल प्रॉब्लम बात की बात है कि आप नीट की प्रॉब्लम, सीबीएसई की प्रॉब्लम, आईआईटी की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम कर पाओगे। अगर मेरे को ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो मैं स्कूल का पेपर कैसे कर पाऊंगा? मुझे स्कूल का पेपर भी तो करना है, स्कूल के हिसाब से भी तो काम करना है बच्चे। मैं वही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो ये मेरे पास बल्क मॉडुलस किसका आ जाएगा बच्चे? आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस का। नेक्स्ट वन। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या आ जाती है? नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास आपके लिए आ जाता है, नाउ द वर्क डन, द वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, द वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ध्यान से समझना, इसमें आपकी सारी कहानी लिखी होगी, वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सारी की सारी कहानी बच्चे, सारी की सारी कहानी। क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं और ये सारी चीजें आपके पास क्या है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ हमारे पास बन रहा है जिसके अंदर मेरे पास ये पी यानी कि प्रेशर और ये बच्चा हमारे पास वॉल्यूम है। यहां पर सभी गैसेस जो भी हमारे पास सैंपल है एक जगह से शुरू करती है, पर एक गैस इसके अंदर से कौन सा प्रोसेस ले लेती है? आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरी बच्चे गैस हमारे पास और ये यहां पर एक जैसे वॉल्यूम पे जाती है, यानी कि सबका फाइनल वॉल्यूम सेम है और सबका बच्चे इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है? और आपका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सबका इनिशियल सेम है, ये देखिए सबका इनिशियल प्रेशर सेम है, फाइनल प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब यहां पर ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस आ गया जिसमें को हम बोल सकते हैं ये मैं कर रहा हूं पीवी अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बना। तो ये मेरे पास अल्फा जीरो यानी कि मैं कौन सा प्रोसेस कर रहा हूं? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। इसके बाद मेरे पास एक प्रोसेस आपके पास ये आ गया और दूसरा प्रोसेस मेरे पास ये वाला आ गया। इसमें से आप पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल कौन सा और आइसो आपके पास आइसोथर्मल कौन सा और बचा एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा। हाँ मैं एक चीज बताऊं, एडियाबेटिक प्रोसेस का एक और नाम होता है, किसी और बच्चे को पता है कि इसका एक नाम और भी होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, पता है? और मैं बताऊं इसका एक और नाम क्या था, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ये पता है आपको कि नहीं पता है बच्चे? यस और नो? पता है आपको? नहीं पता तो नोट कर लो कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज टू बी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। खैर यहां पर अब बताओ कि ये वाला प्रोसेस आपके पास कौन सा आ जाएगा? तो ये आप बोलोगे सर ये मेरे पास आइसोथर्मल, और नीचे वाला बच्चे बताओ जरा मेरे पास एडियाबेटिक। अब बताओ कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप सेम प्रेशर से चलते हो, सेम वॉल्यूम के डिफरेंस से चलते हो, और तीनों आपके पास यहाँ पर प्रोसेस है, सबसे ज्यादा वर्क डन किसके अंदर होता है बताओ? शाबाश, तो आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज्यादा, उसके बाद बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल, और सबसे छोटा वर्क डन किसके अंदर होगा बच्चे? बोलो शाबाश बच्चे, सबसे छोटा वर्क डन मेरे पास एडियाबेटिक। अब एरिया कम हो गया। हाँ एरिया एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास एरिया एग्जैक्टली बच्चे पीवी के नीचे का एरिया जिसका एरिया कम है। और ये गैस के किसकी बात हो रही है बच्चे? हमारे पास एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो हमारे पास जिसका एरिया जितना छोटा होगा उतना बच्चे छोटा उसका वर्क डन होगा। व्हाई? बिकॉज बिल्कुल सही रीजन दिया, यहाँ पर एरिया डिसाइड करेगा पीवी ग्राफ का कि इसमें वर्क डन किसका ज्यादा। लेकिन ये बात जब समझ में आती है तो मैं आपको यहां पर फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, चेक पॉइंट करता हूं, क्या अबव द अबव रिलेशन इज ट्रू फॉर कंप्रेशन आल्सो? द अबव रिलेशन इज ट्रू फॉर कंप्रेशन आल्सो?
फॉर कंप्रेशन ऑल्सो यस और नो, क्या ये ऊपर वाला बच्चे कंप्रेशन के लिए भी ट्रू रहेगा, यस और नो? ट्रू फॉर कंप्रेशन ऑल्सो, यस और नो बच्चे, बोलो शाबाश। क्या ऊपर वाला रिजल्ट उल्टा हो जाएगा? सो द आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता ये। अब बच्चे, अब आपको समझने वाली बात है कि सर ये उल्टा हो जाएगा। तो यहीं पर बच्चे आपके डेवलपमेंट शुरू होती है, बाकी बच्चों से ज्यादा सीखना शुरू करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है बच्चे, पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है, इनका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो ये कंपैरिजन हो पाएगी, अदरवाइज बच्चे नहीं हो पाएगी। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें बच्चे हमारे पास सेम है वॉल्यूम की। और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट अबाउट, आप यहां पर क्या प्रिडिक्ट कर पाओगे बच्चे, फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्रायटॉमिक? जी बताओ बच्चे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्रायटॉमिक, जी बताओ बच्चे, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चे हमारे पास, बोलो जल्दी। अब यहां पर, और यहां पर मैं बात करूंगा बच्चे आपके पास कंप्रेशन की भी, और मैं बात करूंगा बच्चे यहाँ पर एक्सपेंशन की भी, शाबाश। कौन बच्चा सर सबसे कम होगा एक्सपेंशन में? एक्सपेंशन में किसका वर्क डन सबसे कम होगा बच्चे? मोनोटॉमिक का। एग्जैक्टली, यहाँ पर वर्क डन फॉर द ट्रायटॉमिक इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर द, आपके पास यहाँ पर डायटॉमिक एंड ग्रेटर देन वर्क डन फॉर द मोनोटॉमिक। यहाँ पर बताओ बच्चे हमारे पास कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, द वर्क डन फॉर द मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर डायटॉमिक, इट इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर द ट्रायटॉमिक। यही तो चीज टीचर है, आपको यही तो चीजें पूछनी है। आपको इस एक पेज के अंदर पूरी की पूरी आपको वो थ्योरी मिलेगी जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्योंकि टीचर आपको कभी भी लकीर के फकीर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपको आगे जाकर पूछता है कि चीजों के साथ क्या क्या आपके पास हो सकते हैं। चलो अब आगे चलते, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चे। अब क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, गैस, एक मेरे पास गैस है बच्चे हमारे पास, अंडरगोस अ गैस विद टू सैंपल्स, इसके दो सैंपल्स लिए मैंने, अ गैस विद द टू सैंपल्स, विद द टू आइडेंटिकल सैंपल्स अंडरगोस वन, आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे जा रही है, एक्सपेंशन पे जा रही है, एंड द अदर, और जो दूसरी जा रही है बच्चे वो हमारे पास आइडियाबेटिक पे जा रही है, और दूसरी बच्चे हमारे पास आइडियाबेटिक एक्सपेंशन पे जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड एंडिंग ऑन सेम वॉल्यूम। देखो बच्चे, एंड एंडिंग ऑन, और ये बच्चे एंड हो रही है एंड एंडिंग ऑन सेम आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर की बात नहीं हो रही है बच्चे। हमारे पास यहां पर इस तरीके से टीचर ने क्या बोला कि मेरे पास एक ही गैस के दो आइडेंटिकल सैंपल्स हैं, जिसमें से इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और हमारे पास यहां पर इन दोनों का एंडिंग पॉइंट भी आपके पास सेम है, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास सेम है, और हमारे पास ये दोनों गैस क्या कर रही हैं आपके पास, एक्सपेंड कर रही हैं आपके पास। पहले तो टीचर आपको क्या पूछेगा कि आप ये बताओ कि इसमें से कौन सी गैस कौन सा प्रोसेस कर रही है। तो ऊपर वाला बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल है और ये बच्चा हमारे पास आइडियाबेटिक है। तो अगर आप, टीचर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये कंप्रेशन होता तो क्या तुम सेम बात करते, ऊपर आइसो नीचे आइडिया? नहीं, फिर आइडियाबेटिक ऊपर आइसोथर्मल नीचे, और अगर आइडियाबेटिक या आइडियाबेटिक कर्व होते तो फिर क्या होता, तो फिर सर ऊपर आपके ट्राया डाया मोनो, और कंप्रेशन में ऊपर से मोनो डाया और ट्रायो, तो ये मुझे क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन शुरू होता है, विच गैस हैज लीस्ट प्रेशर
आफ्टर एक्सपेंशन। विच गैस हैज द लीस्ट प्रेशर, किसका प्रेशर बच्चा हमारे पास कम होता है आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन बच्चा हमारे पास यहां पर किन इन दोनों में से किसका प्रेशर कम होता है, जहां पर इन दोनों को सेम वॉल्यूम से एक्सपेंड किया गया, सेम V1 से V2, एक को आइसोथर्मल एक को एडियाबेटिक, तो आपको बताना है कि किसका प्रेशर ज्यादा हुआ, किसका प्रेशर कके ज्यादा हुआ, जल्दी बताओ एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का। एडियाबेटिक आइसोथर्मल का लीस्ट हुआ कि ज्यादा हुआ, जरा कंपेयर, ज्यादा हुआ। मैं क्या पूछ रहा हूँ बच्चे यहाँ पर बताओ, लीस्ट। Which gas has the least pressure after the expansion? अब यहां पर least pressure after the expansion, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? The answer is, अगर ध्यान से देखो तो मैं यहां पर इसको P आपके पास नोट कर लेता हूं, P1 और P2। अब बताओ इन तीनों में से सबसे छोटा प्रेशर किसका है बच्चा आपके पास, P2 है, और P2 पे एडियाबेटिक पहुंच रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा प्रेशर किसने लिया, तो आंसर आपके पास आएगा द गैस अंडरगोइंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, द गैस अंडरगोइंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। लग गया बात पता बच्चे, उसका प्रेशर कम हो गया ना बच्चे, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन की गुगली फेंकता हूं बच्चे, विच गैस हैज लीस्ट आपके पास लीस्ट प्रेशर डिफरेंस लीस्ट प्रेशर डिफरेंस और लीस्ट प्रेशर डिफरेंस या लीस्ट प्रेशर के अंदर बच्चे जो चेंज है वो बताओ कौन सी गैस है आपके पास। वो गैस आपने बतानी है जिसके प्रेशर डिफरेंस में बहुत बहुत बच्चे हमारे पास कम वेरिएशन आया, जी बताओ कौन बच्चा, बताओ। अब आपको बताना है आइसोथर्मल। देखा एक छोटा सा वर्ड चेंज करने से, क्यों भाई शौर्य क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल के अंदर प्रेशर के अंदर डिफरेंस जो है वो छोटा है और एडियाबेटिक के अंदर बहुत बहुत ज्यादा है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये पॉइंट है आपको जो समझने हैं बच्चे, ये पॉइंट है बच्चे, अगर आप इसको समझ रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन हम बच्चों उड़ाते हो जाएंगे, हमको समझ ही नहीं आएगा कि करना कैसे। अब अगर इसमें कोई डाउट है शौर्य तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, बोलो शाबाश। लेकिन बच्चे साफ दिखाई दे रहा है कि आइसोथर्मल का फाइनल और इनिशियल प्रेशर बहुत कम चेंज हुआ और बच्चा एडियाबेटिक का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर वॉल्व आपके पास प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा चेंज है, तो इस वजह से ना, तो ये बच्चे देखा ना ऊपर वो क्या बोल रहा है लीस्ट प्रेशर आफ्टर एक्सपेंशन और विच गैस हैज द लीस्ट प्रेशर डिफरेंस आफ्टर द एक्सपेंशन, तो ये पता होना चाहिए। और क्या ये सारी चीजें, अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, क्या ये सारी चीजें कंप्रेशन में वैलिड रहेंगी? नहीं रहेंगी, तो ये बात है। और एडियाबेटिक के अंदर फिर टीचर तुमको तीन चीजों में लेके आ जाएगा, मोनोडाया और ट्रायटॉमिक में, उसमें भी फिर आपको वो दो चीजों में लेके जाएगा, एक कंप्रेशन में और एक एक्सपेंशन में। अब आप देखो कि थर्मोडायनेमिक्स खुद में एक बहुत वास्ट ब्रांच है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चा यहां पर क्यों, बच्चे को लगता है कि सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में ओनली कंफ्यूजन इज कि ये केमिस्ट्री में आती है और फिजिक्स में आती है, नहीं भाई इसमें कंफ्यूजन और भी है, इसमें कंफ्यूजन इस बात की भी है हमारे पास कि भाई एडियाबेटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है, एडियाबेटिक में मोनो डाया और ट्रायो ये कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये पॉइंट मुझे यहां पर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन फटाफट करने स्टार्ट कर देता हूं। जी चलें बच्चे, अब हम इसके अंदर से चलें आगे की तरफ, बच्चे क्लियर है ये वाली चीजें बच्चे, अब चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे चल के देखते। अब आगे बच्चा अगर हम चलने की कोशिश करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आज अभी अब हम देखते हैं वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, द वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। मेरे पास यहां पर मुझे वर्क डन निकालना बच्चे, अब किसके अंदर से, आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन निकालना।
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारे को क्या बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी डेल्टा वी या फिर वोग्डन। नाउ इन आपके पास आइडियाबेटिक प्रोसेस, अगर मेरे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो जल्दी बता दो इसमें क्या हो जाएगा। अगर मेरे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, therefore मेरे पास जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ द वोग्डन, एंड therefore जल्दी बता दो आपका वोग्डन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू काके हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू ये वोग्डन आ जाएगा। अब ये वोग्डन हमारे पास विद नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या, द वोग्डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस, एक आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो भी वोग्डन हो रहा है, आइडियाबेटिक प्रोसेस द वोग्डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस इज ड्यू टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये बच्चा हमारे पास इंटरनल एनर्जी के चेंज की वजह से आएगा, दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी के चेंज की वजह से आएगा वोग्डन। और हमारे को एक और बात पता है बच्चा आल्सो, तो बच्चा बोलता है सर क्या बात पता है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो वो बोलता है सर नंबर ऑफ मोल्स सीवी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एन इंटू सीवी इंटू टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, यस। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी पहली फॉर्म, ये पहली फॉर्म अब आपके पास आ जाती है, इसकी पहली फॉर्म क्या आ जाएगी, ये वर्क डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस इज गिवन बाय द वर्क डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस इज माइनस मेरे पास एन सी वी इंटू टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, यहाँ पर नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ, एन नंबर ऑफ मोल सी वी इंटू टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, ये पहली चीज आ गई। या फिर मेरे पास यहाँ पर वोग्डन इज इक्वल टू एन सी वी, तो सी वी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गैस कॉन्स्टेंट अपॉन टू इंटू टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, या फिर मेरे पास वोग्डन इज इक्वल टू एन और सी वी को ऐसे भी लिखा जा सकता है आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, ये भी बच्चे हमारे पास हो सकता है। या फिर हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है वोग्डन, अब आप एन आर को अंदर ले जाओ, तो एन आर टेम्परेचर इनिशियल एन आर इंटू टेम्परेचर फाइनल अपॉन बच्चे हमारे पास गामा माइनस वन। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन जानता हूं, तो P इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू एन आर इंटू टेम्परेचर इनिशियल, P फाइनल वॉल्यूम फाइनल एन आर इंटू टेम्परेचर फाइनल, इसकी वैल्यू अगर हम डाल देते तो वोग्डन किसके बराबर आ जाएगा, P इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल माइनस P फाइनल वॉल्यूम फाइनल और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा गामा माइनस। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड है, आपके पास आइडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द ऑल थिंग विच इज आपके पास ड्यू टू दी, ये हमारे पास आ जाती है आइडियाबेटिक प्रोसेस, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस के हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं बच्चे, वर्क डन हमारे पास यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं बच्चे। ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास, पॉइंट दर पॉइंट ये चीजें हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को कर पाते, ये न्यूमेरिकल वोग्डन, वो बच्चा हमारे पास ग्राफिकल वोग्डन है बच्चा हमारे पास, इस वजह से हमको ये सारी की सारी चीजें ढंग से आपके पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए बच्चे अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम थोड़ा सा टाइम लेके इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, प्लीज इसको बच्चे आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत आए तो जरूर बच्चे मेरे साथ डिस्कस करिएगा, चलिए बच्चे ओके बाय।